आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। गूगल फॉर्म क्या होता है, क्या इसका चार्ज है, कैसे क्या होता है, किस तरह बना सकते हैं, किस तरह शेयर कर सकते हैं, पूरी चीज़ हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, क्या होता है। उससे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नीचे देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाए। तो और यहाँ पर मैंने आपकी काम की बहुत सारी वीडियो पहले से ऑलरेडी बना दिया है, तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके बहुत सारे काम की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ, तो वीडियो लिस्ट में आप देख लीजिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो सब बना हुआ है। तो चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं, किस गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। सबसे पहले दिखा देते हैं गूगल फॉर्म किस क्या होता है। गूगल फॉर्म ये एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म जो मैंने बनाया है ऑनलाइन और बिल्कुल फ्री में बनाया, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये फॉर्म बनाया, इस फॉर्म में पहला मैंने कॉलम रखा है पहला, तो नेम, और जिसको मैं ये फॉर्म भेजूंगा तो वहाँ पर वो नेम जो है नेम अपना या इसमें इस बॉक्स में इंटर करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ई मेल का बॉक्स बनाया है, तो यहाँ पे वो ईमेल लिखेगा। तो यहाँ पे ईमेल का कॉलम में ईमेल दिए, ये सब जो कॉलम होता है ये सारा कॉलम आप बना सकते हैं। मैंने नेम का कॉलम बनाया था, ईमेल का कॉलम बनाया था, एड्रेस का कॉलम बनाया। यहाँ पे कॉलम के बगल में मैंने स्टार्ट चिन्ह दिया है, इसका मतलब ये होगा जब तक ये कॉलम को कोई भी फिलअप नहीं करेगा तब तक वो सबमिट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद मैंने फोन नंबर का भी, उसके बाद यहाँ पे मैं आधार कार्ड अपलोड का भी एक ऑप्शन बनाया था, तो यहाँ ऐड फाइल पे क्लिक करके वो आधार कार्ड अपलोड कर सकता है, पैन कार्ड का भी अपलोड कर सकता है, ठीक है। पैन कार्ड अपलोड कर सकता है, उसके लिए यहाँ पे ऐड फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट स्लिप ये भी ऐड फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबमिट बटन मिल जाएगा, सबमिट बटन की जगह पे यहाँ पे आप नेक्स्ट बटन पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर लगाने के बाद एक और नेक्स्ट पेज खुलेगा, जो पेज आप रखना चाहते हैं इसके बाद वो पेज खुलेगा, ठीक है। तो इस तरह फॉर्म बना के आप किसी को लिंक शेयर कर सकते हैं, उस लिंक से वो सारा डिटेल फिलअप करेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, सबमिट करेगा, तो उसकी जानकारी आपके पास चले आएगी इस फॉर्म के जरिए, दगिए लिंक के जरिए। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फिर से गुजारिश करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, जो भी इस गूगल का लिंक है, गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये पूरा वर्क करता है, गूगल का खुद का है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आने के, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिले, एक पर्सनली एक बिजनेस, ठीक है। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं पर्सनल के लिए, और बिजनेस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको चाहिए बिजनेस के लिए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और बिजनेस में आपको कुछ लंबा प्रोसेस है, कुछ अलग प्रोसेस है, तो बिजनेस का मैं अलग वीडियो बना दूंगा। नॉर्मली से मैं आज बताने वाला हूँ पर्सनल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिला नीचे गो टू गूगल फॉर्म, गो टू गूगल फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे गो टू गूगल फॉर्म पे क्लिक करूँ, यहाँ पे जितना बनाया है मैंने वो भी यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, जितना फॉर्म मैंने बनाया है, और ऊपर में आपको मिल जाएगा कि क्या बनाया है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, आरएसवी, पार्टी इनवाइट, टी शर्ट साइन अप, ठीक है। क्या चीज़ का आप बना सकते हैं, तो यहाँ से एक न्यू बना भी सकते हैं ब्लैंक पे क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन देंगे, यहाँ पे आंसर देंगे ऑप्शन, यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो थोड़ा नॉर्मली हो जाएगा और अच्छा भी नहीं होगा, तो बैक आ जाते हैं, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो लिखा है इसको भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, ठीक है। अब इसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख भी सकते हैं और खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद तो यहाँ पे एक नेम का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेम ही मैं रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है शॉर्ट आंसर, यहाँ पे नेम चाहिए इसका या नाम वाला कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करा या कोई चीज़ अपलोड करवाना या लिखवाना है, अगर इसका नाम यहाँ पे लिखवाना है तो आपको शॉर्ट आंसर सेलेक्ट करना है, अगर ये फोटो अपलोड करवाना है तो फाइल अपलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको देख रहा है ये ऑप्शन इसको इनेबल कर देंगे, इसका मतलब ये होगा
कि ये जो आपने कॉलम बनाया है इस कॉलम को भरना अनिवार्य है। तो यहाँ पे स्टार का एक चिन्ह लग जाएगा, अगर इसको इनेबल कर देंगे तो स्टार का चिन्ह लग जाएगा। इससे क्या होगा, ये जब तक इस कॉलम को नहीं भरेगा तब तक सबमिट नहीं होगा, और यहाँ से इस कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से कॉपी भी कर सकते, डुप्लीकेट भी कॉपी कर सकते, ठीक है। यहाँ पे नेम को हटाने, तो उसके बाद ईमेल आता है, ईमेल को अगर चेंज करना चाहे तो ईमेल को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल को चेंज करके हम यहाँ पे सन ऑफ लगा देते हैं, ठीक है, फादर के नेम, और यहाँ पे मैं फादर का नाम लेना चाहता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर रहने देंगे, शॉर्ट आंसर ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको भी इनेबल कर देंगे, ये भी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस भी ये जो भी है, ठीक है, इसको चेंज भी कर सकते, ये ऑप्शन नहीं चाहिए, चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको किसी तरह का जैसे फोटो अपलोड करना हो या कोई चीज़ अपलोड करवाना हो या मल्टीप्लाई ऑप्शन हो, जैसे अगर फोटो वगैरह अपलोड की जैसे एड्रेस है, तो एड्रेस प्रूफ में मान लीजिए यहाँ पे एड्रेस है तो यहाँ पे हम प्रूफ भी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रूफ है, प्रूफ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एड्रेस प्रूफ अपलोड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होगा फाइल अपलोड, फाइल अपलोड क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा, यहाँ पे देखिए इनेबल कर देंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे पूछा एड्रेस प्रूफ जो अपलोड करेगा वो किस में अपलोड करेगा, डॉक्यूमेंट में या पीडीएफ में या इमेज में, इसी ठीक है। तो यहाँ पे पीडीएफ को और इमेज दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल, इस एड्रेस प्रूफ में आप कितना फाइल अपलोड करवाना चाहते हैं, एक फाइल, पाँच फाइल, दस फाइल, तो यहाँ पर मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो फाइल अपलोड करेगा उसका साइज कितना होना चाहिए मैक्सिमम, यहाँ पे 1 MB, 10 MB, 100 MB, 1 GB, 10 GB, ठीक है। तो यहाँ पे 10 MB मैं रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको भी अगर चाहते हैं अनिवार्य तो इसको भी इनेबल कर देंगे, नहीं तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पे आज देख ही सकते हैं एड्रेस प्रूफ, और यहाँ पे एड फाइल का एक ऑप्शन जुड़ चुका है, यानी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ के बाद फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर में आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने एड्रेस प्रूफ दिया तो यहाँ पे हम दे देंगे पेन कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पेन कार्ड, ठीक है, ये पैन कार्ड की, अब पैन कार्ड का नंबर लेना चाहते हैं सिर्फ नंबर, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर को सेलेक्ट करेंगे। अगर पैन कार्ड का फोटो लेना चाहते हैं तो यहाँ फाइल अपलोड वाला जो ऑप्शन था मैंने आपको बताया उस पर क्लिक करके आप कर सकते, जैसे पैन कार्ड का मैं फोटो लेना चाहता हूँ तो फाइल अपलोड पर क्लिक करेंगे, उसको इस तरह का यहाँ पर इसको इनेबल कर देंगे। और यहाँ पर क्या क्या किस किस टाइप में चाहिए, PDF IMAGE दोनों में चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नंबर दे देंगे एक ही नंबर, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइज दे देंगे। उसके बाद इसको भी हम इनेबल कर देंगे ताकि ये अनिवार्य हो जाए, ठीक है। देखिए जिसमें मैंने इनेबल किया अनिवार्य वाला, यहाँ पे लाल स्टार आ चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कमेंट, कमेंट को भी आप चेंज करके दूसरी चीज़ लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं पासबुक लगा देता हूँ, ठीक है। अब पासबुक या पासबुक का भी अगर आप लेना चाहते हैं फोटो तो यहाँ फाइल अपलोड पर क्लिक करके, ठीक है, और इसको भी इनेबल कर देंगे। और ये पासबुक को मैं अनिवार्य नहीं करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको इनेबल नहीं करेंगे, इसको जरूरी हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है, ऑफ कर देंगे। उसके बाद ये हमारा फॉर्म रेडी हो चुका है, अभी इसको हम देख लेंगे, व्यू करेंगे। यहाँ पे एक देख सकते हैं एक प्रीव्यू का एक आइकन है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे नए टैब में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर्म जो रहेगा वो फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह, जिस तरह का बन आपको दिखाएगा, इसी तरह लिंक भेजेगा, इसी तरह यहाँ पे ओपन होगा। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो दिखाई देगा आपको वो ईमेल एड्रेस दिखाई देगा जिसको जाएगा, जिसको लिंक जाएगा वो जो ओपन करेगा उसके मोबाइल में या सिस्टम में जो भी ईमेल एड्रेस रहेगा वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस शो नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो मैंने कॉलम बनाया था नेम, नेम में नेम इंटर करने वाला, सन ऑफ में सन ऑफ, और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए एड फाइल लगाया है, पैन कार्ड में अपलोड करने की एड फाइल, यहाँ पे पासबुक एड करने के लिए एड फाइल, और यहाँ पे सबमिट बटन मैंने लगा दिया है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम और कॉलम बढ़ाना चाहते हैं या इसी में और कॉलम बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट के बाद अगर और कॉलम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, इसी में अगर बढ़ाना चाहते हैं फिर से उस वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे देख पा रहे हैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए,
यहाँ पे आपको इंपोर्टेड क्वेश्चन पे क्लिक करना होगा। फिर से आपको यहाँ इस तरह का आ जाएगा, यहाँ पे जो भी कॉलम चाहिए फिर से यहाँ पे कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कितना कॉलम ऐड करना चाहते हैं वो सारा बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। सभी कॉलम चाहिए, सभी कॉलम को मैंने जो एक कॉलम ये वाला, एक कॉलम ये, दो दो कॉलम चाहिए, दो कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ पे नीचे में इनपुटेड क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे। अब क्या हुआ, वो दोनों जो क्वेश्चन था वो नीचे में ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे इसको फिर से हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं हम लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कॉमेंटेड लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं जो भी चीज़ लिखना आपको, इस तरह आप कॉलम भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको हम जरूरी कर देते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए इसके बाद अब जो हम प्रीव्यू करेंगे, फिर से हम प्रीव्यू करते हैं, फिर से प्रीव्यू किए मैंने, यहाँ पे इस तरह आ गया। और यहाँ पे देखिए मैंने एक कॉलम पेमेंट का ऐड किया था, वो भी ईमेल वाला, मैंने इसको चेंज नहीं किया था। तो इस अब यहाँ पे सबमिट बटन आएगा, जैसे ही सारा डिटेल फिलअप करने के बाद सबमिट करिएगा, वो सारा जानकारी आपके पास आ जाएगा। आप चाहते हैं ये फॉर्म फिलअप करने के बाद एक नेक्स्ट का बटन आए तो उसके बाद भी कुछ फॉर्म खुले, तो उसके लिए फिर से आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। और यहाँ पे आपको सबसे नीचे में ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐड सेक्शन, ठीक। ऐड सेक्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन वन ऑफ टू, सेक्शन दो है जिसमें एक वाला पहला सेक्शन ये खुला हुआ है, और नीचे आएंगे ये सेक्शन टू है, ठीक है। अब यहाँ पे जी ये इसको भी चेंज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे जैसे कोई भी जो भी आपको कॉलम बनवाना है वो, ठीक है। एड एजेस, अब यहाँ पे इसको आप इसका खाली छोड़ देंगे, ठीक है। जब तक ये नहीं भरेगा तब इसको भी आप अनिवार्य करना चाहे तो, ये तो आपको मेन हो गया, ठीक है। तो ऐड फुल एड्रेस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फुल एड्रेस पे क्लिक करने में जिस तरह यहाँ पे ऊपर में, जिस तरह ऊपर में इस पेज का ये मेन हो गया जिसान मॉनिटर मैंने लिखा था, उसी तरह दूसरा पेज का फुल जो मेन होगा वो ऊपर में ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस का आइकन, इस पर क्लिक करेंगे, क्वेश्चन ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है, वार्ड नंबर। तो उसके बाद क्वेश्चन वो छोड़ देंगे, अनिवार्य कर देंगे, इसको भी टिक मार्का लगा देंगे। उसके फिर से एक क्वेश्चन ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम विलेज, ठीक है। और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई चूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको सभी में शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे ताकि वो आंसर दे सके, ठीक है। अब मल्टीप्लाई सर्च सेलेक्ट करने से क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। उसके मान लीजिए मैं स्टेट देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑप्शन है, मतलब कि मल्टीप्लाई ऑप्शन में मल्टीप्लाई चॉइस, ठीक है, ये जैसे करेंगे तो यहाँ ऑप्शन वन, ऑप्शन वन में लिखना चाहते हैं स्टेट, आपका स्टेट कौन सा है, एमपी है। अगर और करना चाहते हैं ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप बिहार लिख देंगे जिस तरह एक साथ, मतलब यहाँ पे ऑप्शन वो सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर स्टेट नहीं यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट, सॉरी इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ इसमें कि आप कहाँ तक क्वालिफाई है, मतलब आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है, इसी तरह अब जो होगा, ठीक है, ठीक है, अब जो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, सेलेक्ट करेगा और इसको भी अनिवार्य कर देंगे। इसी साथ जितना भी आपको लेना चाहते हो वहाँ पे ले सकते हैं। अगर ये दो पेज हो गया, इसके बाद भी अगर कोई पेज लेना चाहते हैं तो आप ऐड सेक्शन में क्लिक करेंगे, यानी यहाँ पे वीडियो आप ऐड कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो, या कोई किसी प्रकार का फोटो ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ फिर से हम थर्ड पेज लेंगे तो यहाँ पे थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थर्ड पेज पे लिख देंगे थैंक्स फॉर फिलिंग, फुल फॉर्म,
यहाँ थैंक्स देने के बाद आपको सबमिट का आइकन हो जाए, ठीक है। ये 3 पेज का मैंने फॉर्म बना लिया, अब इसको प्रीव्यू करके भी आपको दिखा देता हूँ। पहले वाले पेज को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, देख लीजिए आप फॉर्म जो ये छोटा बन चुका है। अब यहाँ पे जो नीचे में ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, पहले सबमिट का ऑप्शन आ रहा था, अब जो 2 पेज आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नाम होगा नाम हम दे देंगे, और यहाँ एड्रेस प्रूफ, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना होगा क्योंकि मैंने तो इसको मैं फिर से यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे जो सन ऑफ है, ठीक है, इसमें शॉर्ट आंसर में यहाँ पे देखिए सन ऑफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ईमेल एड्रेस आ चुका है। इसको क्या करेंगे हम, कंटेंट ये वाला ऑप्शन को, ठीक है, यहाँ पे सन ऑफ में आएंगे तो यहाँ पे हमको ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कंटेंट ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। अब जो हम प्रीव्यू करेंगे, वीडियो पूरी देखिएगा अच्छी तभी समझ पाइएगा आप, नहीं तो आप सही से नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। अब जो देखिए ले लिया क्योंकि पहले ईमेल एड्रेस था, मतलब ईमेल एड्रेस ही डालते हैं, अगर ईमेल एड्रेस नहीं डालते तो ये लोड नहीं लिया था, ठीक है। वहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया था, आपको बताना भूल गया था। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे जो मैंने सभी को अनिवार्य किया हूँ, तो एड फाइल भी क्लिक करेंगे, तो मैं यहाँ से एक सिस्टम से ले लेता हूँ। मैं आपको सबमिट करके भी दिखाऊंगा, आप पूरी चीज सही से और अच्छे से देखिए, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। यहाँ पे जैसे मैं जेड सेलेक्ट कर, यह इमेज मैंने अपलोड कर लिया, और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अपलोड हो रहा है, यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है अपलोडिंग, तो अपलोडिंग हो चुका है, यहाँ पे देखिए अपलोडिंग दिखा रहा है। उसी तरह आप पैन कार्ड को अपलोड कर लेंगे, मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं फिर से इस जेड को इसी में सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं तीनों में जेड को ही सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मैं तो कर नहीं रहा हूँ सबमिट किसी प्रकार, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको। इसलिए यहाँ पेमेंट में मैंने लिखा था, पेमेंट में मैंने अपलोड करने का नहीं दिया था, बल्कि मैं पेमेंट भी लिख देता 500, जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब नीचे मैंने ईमेल एड्रेस दिया है, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख के आपको जो भी करना होगा वो आप कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सभी जो यहाँ पे है सभी मैंने अनिवार्य किया, सभी फिलअप किए, ठीक है। जैसे ये मैंने अनिवार्य किया हूँ पेमेंट, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट नहीं ले रहे, यहाँ बता रहे रिक्वायरमेंट इवेंट देना अनिवार्य है, तो फिर से अभी इसमें दे देते। अब जो हम सबमिट करेंगे ले लेगा, क्योंकि मैंने स्टार वाले जितने कॉलम थे सभी कॉलम मैंने भर दिए। उसका नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट आ गया, जैसे फुल एड्रेस मैंने पूछा था, तो वार्ड नंबर मैंने छोटा सा फॉर्म बनाया, तो वार्ड नंबर इसमें देना है, विलेज देना है। उसके बाद यहाँ एडुकेशन के बारे में मैंने पूछा था, कौन सा आप किए हैं, मैट्रिक इंटर BSc, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो मेरे BSc, जैसे BSc सेलेक्ट कर लेंगे मेरा, तो इस सबको हम फिलअप कर लेते हैं कुछ से कुछ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ अदर, अगर अदर है तो अदर भी सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे उसको लिखेंगे अदर में क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे BCA लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर इसमें से लिस्ट में ना है अगर आपका क्लास, तो ठीक है, नहीं तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे क्लास का नाम लिख देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वहाँ यहाँ कह रहा है थैंक्स फॉर फिलिंग फुल फॉर्म फिल करने के लिए धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पे बैक का के हम फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, तो देख लीजिए मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, मैंने आपके सामने फॉर्म बनाया, फॉर्म को फिलअप किया, सबमिट किया। सबमिट करने को इस तरह का निशान मॉनिटर जो मैंने ऊपर में लिखा था वो आएगा, और थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर कॉन्टेक्ट इन्फो, ठीक है। अब इसको एडिट भी कर सकते, एडिट योर रिस्पॉन्स, अगर एडिट करना चाहते कोई डिटेल तो एडिट करेंगे, फिर से आपको वही फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी चेंज करना चाहते चेंज कर लेंगे, जैसे ईमेल में मेरा सी छूट गया था, फिर से करेंगे, और चेंज करने के बाद जो भी आपका डिटेल भरा था वो भरा ही रहेगा, जो भी बदलना चाहते उसको आप बदल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये सबमिट हो चुका है, सबमिट होने के बाद आपको मेल पे भी आ जाएगा डिटेल, और नहीं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको, जैसे कि आप देख पा रहे ये वाला, यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने बनाया था अभी, और यहाँ पे रिस्पांस में एक आ रहा है, एक रिस्पांस दिया गया है, एक दिया गया, ठीक है। जो कौन दिया गया उसका नाम ये है जो मैंने भरा था, वो उसका एड्रेस प्रूफ जो वो मैं यहाँ पे व्यू फाइल पे क्लिक करके देख सकता हूँ उस फाइल को, ठीक है।
ये तो पूरा हो गया। यहाँ पे हम इंडिविजुअल भी को सेलेक्ट करेंगे तो वो जो फॉर्म भरा था, फॉर्म पे क्या क्या कैसे कैसे लिखा था, वो सारा चीज फॉर्म ही यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे सबमिटिंग डेट कब ये सबमिट किया था वो रहेगा, डेट समय सब चीज़ यहाँ पे आपको दिया रहेगा। ठीक, इसी तरह फॉर्म बना के किसी को लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर्म तो बन गया है। ठीक है, फॉर्म जैसे यहाँ पे देख लीजिए, फॉर्म तो बन गया, फॉर्म लिंक सेंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सेंड का आइकन है, मैंने आपको सेंड करने के लिए नहीं बताया था तो लिंक को। अब ये तो फॉर्म बन गया, सबमिट भी कर दिए, अब इसको किसी के साथ शेयर करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से एक फोल्डर है जिसे को कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको इसका कलर जो है इसका ये थेम्स ये वाला देख पा रहे हैं ब्लू कलर का, इसको आप चेंज करते हैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करके। और यहाँ पे आपको एक सेंड का ऑप्शन में सेंड पे क्लिक करेंगे, ईमेल पे सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे, सब्जेक्ट जो लिखेंगे वो देंगे, वो जो जो लिखना लिख देंगे। और या तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा आपका ये फॉर्म का। अगर ये लिंक बहुत बड़ा है, अगर छोटा लिंक चाहिए छोटा, तो यहाँ पे URL पे क्लिक करेंगे, अब जो लिंक होगा वो छोटा बन गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फेसबुक ट्विटर से भी डायरेक्ट आप इसको शेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कॉपी पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी मैंने कॉपी कर लिया। अब देखिए मेरा गूगल क्रोम में हमारा ईमेल खुला हुआ है, इसलिए हम अब जो है ओपरा ब्राउजर में उस लिंक को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। कॉपी तो मैंने कर लिया, पेस्ट करके वहाँ पे हमको देखना है क्या ये लिंक जो मैंने फॉर्म बनाया है सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा। आपके काम के मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पहले से आपके लिए मैंने बना दिया हो। ठीक है, तो मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया कि हमें 14,000 से 14,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले, और इसी तरह सपोर्ट करते रहे। मैं इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और बिल्कुल फ्री में शेयर होता है, आप जानते भी हैं, और पूरी चीज विस्तार से शुरू से अंत तक हम आपको बताते हैं जैसा कि आपको मालूम है। और मैं तो देखिए ये ओपरा ब्राउजर जो है ओपन हो चुका है। अब जो मेन लिंक मेरा, ठीक है, उस लिंक को हम यहाँ पे पेस्ट कर, जो मैंने कॉपी कर रखा था उस लिंक को पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको सर्च कर देंगे, तो ये इंटरनेट सोलो चल रहा है अभी हमारा, इसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो देखिए मैंने लिंक पे जैसे क्लिक किया तो वो फॉर्म ओपन हो गया, और यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस वो शो कर रहा है, जो ईमेल एड्रेस गूगल क्रोम में नहीं, जो एड्रेस ओपरा ब्राउजर में जो ईमेल लॉगिन है वो ईमेल यहाँ पे शो कर रहा है। जिस ईमेल से मैंने बनाया था वो ईमेल यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, जिसके में खोला गया है, जिसके उसमें क्या लॉगिन है वो दिखा गया। मेरा यहाँ पे ईमेल एड्रेस नहीं है, क्या यहाँ लिखा भी है स्टार वाला जो रिक्वायरमेंट अनिवार्य है, तो यहाँ पे सभी को फॉर्म को फिलअप कर देंगे। इस तरह यहाँ पे पूरा फॉर्म आपको मिल जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट बटन भी मिल जाएगा, जिस तरह मैंने बताया उस तरह आप यहाँ पे कर भी सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल बना होगा, और दोस्तों इसके लिए आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है ये फॉर्म बनाने के, बिल्कुल फ्री में आप बिल्कुल आसानी से बिल्कुल छोटी सी माध्यम से छोटी सी प्रोसेस से बना सकते हैं। अगर आप मोबाइल में बनाना चाहते हैं तो यही प्रोसेस होगा, यही प्रक्रिया आपको करना होगा, तब मोबाइल में भी बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए आपको, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि मैं वहाँ से भी आपकी किसी छोटी मोटी समस्या का हेल्प करता रहूँगा, और मुझे आपकी खुशी, आपकी सहायता करने में मुझे खुशी मिलती है, इसलिए आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए और यूट्यूब पे अपना सपोर्ट दीजिए। आज की वीडियो में यहीं तक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।